श्री दुर्गा पूजा समिति बंगाली कॉलोनी की ओर से दशहरे के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर पिछले लगभग एक सप्ताह से दुर्गा पूजा के कार्यक्रम चल रहे थे। आज विसर्जन के अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर महिलाओं द्वारा नाच गाकर भी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। श्री दुर्गा पूजा समिति के प्रधान ने बताया कि हर वर्ष यहाँ पर दुर्गा पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दूर से बंगाली समाज के लोग पहुंचकर पूजा अर्चना में भाग लेकर धार्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं मौजूद रहीं। यहां हम आपको बता दें कि करण नगरी धार्मिक कार्यों के लिए हमेशा जानी जाती है। उसी कड़ी में विभिन्न वर्गों के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार त्योहारों को मनाते हैं। इसी कड़ी में करनाल के सेक्टर 14 पार्ट 2 स्थित बंगाली कॉलोनी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए दुर्गा पूजा की कुछ आकर्षक झलकियां। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं बंगाली कॉलोनी में और दुर्गा पूजा के अवसर के उपरांत आज दशहरे के अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पूजा के लिए आई हुई हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस उपलक्ष्य में क्या कुछ मान्यता होती है इसके बारे में। हाँ जी, क्या कहना है? आज विजयदशमी है, जिसको कि दशहरा बोलते हैं। ये बंगालियों का क्या होता है, इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दुर्गा पूजा उत्सव है, बहुत ही मेन होता है, जिसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये 5 दिन चलता है, षष्ठी को मतलब स्टार्ट होता है ये, जो हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आज हमारा विजयदशमी है, जो हम सिंदूर खेलते हैं, बंगाली में बोलते हैं सिंदूर खेला। ये हमारे में बहुत ही मतलब आनंद से मनाया जाता है और माँ को हम विदाई कर देते हैं, मतलब 6 बजे यमुना में विदाई हो जाती है। यही हमारा मेन पर्व है और 5 दिन से बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हाँ जी, क्या हम तो किसी विदाई करके सिंदूर लगा के हम आपस में सब मिलजुल के एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और धूमधाम से माँ को विदाई। बोलो एक बार, बोलो दुर्गा माँ की जय। पूजा तो हमारी समाप्त हो चुकी है, इसके बाद अभी सिंदूर उत्सव चल ही रहा है। अभी सिंदूर उत्सव इसके बाद माता को जो है हम विसर्जित करने के लिए पश्चिम यमुना में लेके जाएंगे। बैंड बाजा के साथ सभी नाचते गाते खुशियां मनाते हुए यहाँ से पश्चिम यमुना में लेके जाएंगे। क्या मान्यता होती है? मान्यता ये होती है कि दुर्गा माँ जो है अपने ससुराल से मायके आती है 5 दिन के लिए और फिर यहाँ आके हम लोग जैसे भक्त लोग जो होते हैं वो उनको जो भी घर में मिठाई हो गया, सब्जी वगैरह हो गया, चावल रोटी खीर मक्खन पनीर जो भी है हम उनको खिलाते हैं और पूरा पूजा अर्चना करते हैं इसके लिए और 5 दिन तक हम लोग पूरा खुशियाँ मनाते हैं। और आज का विसर्जन का दिन है, आज उनको विसर्जन करेंगे जल प्रभाव। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।